नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। दो दिन की छुट्टी के बाद आज आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूं, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी न्यूज छोड़ी नहीं है, सारी की सारी न्यूज यहां पर कवर होगी। और एक कैंपेन के बारे में भी आपसे बात करनी है। अगर आप इस सभी इस करेंट अफेयर्स को देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता होगा कि इस टाइम हम लोग जो भी टीचर हैं वो सभी एक कैंपेन चला रहे हैं। उस कैंपेन का हमारा मकसद ये है कि जो एग्ज़ाम सिस्टम डिले होता है, जो एग्ज़ाम हमारे डिले हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे सिस्टम की तलाश है, हमें सरकार से एक ऐसे सिस्टम की उम्मीद है जो एक पर्टिकुलर टाइम पर एग्ज़ाम कराए, पर्टिकुलर टाइम पर वैकेंसी कंप्लीट कर दे, ताकि हम आगे अपने जीवन में और आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए ट्विटर कैंपेन आपको करना है, और इसमें एक दो हैशटैग हैं जिनको आपको काफ़ी ज़्यादा ट्वीट करना है आज 11 बजे से। हैशटैग स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, इट मे बी रेलवेज और रेलवे, आप दोनों ही टैग का इस्तेमाल करें। तो जब भी आप लिखें तो यहाँ एस जरूर लगा दें, और अगर एक और करना चाहें तो कर दें। फिर उसके बाद एसएससी डिक्लेयर सीजल रिजल्ट, ये दो हैशटैग हैं जो आपको ट्रेंड कराने हैं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ट्विटर पे कैंपेन करने से क्या होगा। देखिए, जब आप कोई चीज़ ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं, बिकॉज इट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, और जो बात आप रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ग्लोबली लोगों तक पहुंचती है, और ऐसे में सरकार के ऊपर निश्चित तौर पर दबाव बनता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन से नहीं होगा, हमें लगातार कई दिन तक ये काम करते रहना होगा। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, पढ़ाई लिखाई चलती रहनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं कहीं पर रोकनी है। हाँ, कल की कुछ क्लासेस डिस्टर्ब रहीं, लेकिन आज से वो क्लासेस सारी रेगुलर होंगी जैसे मैं पढ़ा रहा था। उसके बाद जो भी हमारे पास समय बचेगा वो हम इस कैंपेन को देंगे, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी का साथ यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। तो चलिए चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं। लेबनान में जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी वहां पर एक भीषण बम धमाका हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का, जो लगभग एक छोटे से परमाणु धमाके के बराबर था। उसके बाद हसन दियाब की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, और फिर उसके बाद अब वहां पर काफी सारा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की हस्तक्षेप के बाद वहां पर उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया, जिसके बाद एक नाम उभर के सामने आया है जिसको बेरूत में लेबनान का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसके ऊपर चलते हैं। आपको पता होगा 29 अगस्त को अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जैसे कई खेल पुरस्कारों को वितरित किया जाता है। लेकिन इस बार इनकी राशि में भारी परिवर्तन हुआ है। ये पुरस्कार की राशि में क्या क्या परिवर्तन हुआ है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता को दिए जाने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की गई है, और ये 29 अगस्त को की गई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए 15 लाख कर दिया गया है, जो पहले 5 लाख रुपए थी। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि को भी 5 लाख रुपए से 15 लाख कर दिया गया है, और नियमित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो पहले 5 लाख रुपए होते थे। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं की राशि भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा अभी हाल ही में 29 अगस्त के लिए की गई थी, 29 अगस्त से कुछ दिन पहले हुई थी। राजीव, आपको जो याद रखना है यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू अवर करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो ये कि आपको राजीव गांधी खेल रत्न कितने लोगों को दिया गया, 5 लोगों को दिया गया, आपको वो पूरा याद करना है। अर्जुन पुरस्कार 27 लोगों को दिया गया, आपको सभी के नाम याद नहीं करने हैं। हाँ, सिंगल सिंगल जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार किसको दिया, तो ये आप जरूर अलग याद कर लें। इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो क्रिकेटर रोहित शर्मा को मिला है, महिला पहलवान विनेश फोगाट को मिला है, और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को मिला है। रानी रामपाल को अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड एथलीट गेम्स ऑफ द ईयर भी दिया गया था। महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा एथलीट मरियप्पन थेंगावेलु को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है जिनको अभी हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, या जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से, रानी रामपाल का संबंध किससे है, हॉकी से, और मरियप्पन थेंगावेलु का संबंध किससे है, ये पैरा एथलीट है। टीम इंडिया के क्रिकेटर ईशान शर्मा, शूटर मनु भाकर, शटलर सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी समेत 27 खिलाड़ियों को इस साल 29 अगस्त को
अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? 27 खिलाड़ियों को। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को दी गई है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार लक्ष्य संस्थान को दिया गया है। तो इस बार ये वर्चुअली आयोजित किए गए और राष्ट्रपति हमारे जो रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया वर्चुअली माध्यम से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की बात करें तो इनकी शुरुआत 1991 में हुई थी और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है वो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर है जो 1984 से लेकर 1989 तक देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे थे। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6वीं अनुसूची में दायरे में लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। सबसे पहले समझते हैं 6वीं अनुसूची क्या है। संविधान सभा द्वारा गठित बारदोलोई समिति की रिपोर्टों के आधार पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में प्रशासन के कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। यहां पर जो लोग थे वो भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। इस वजह से केवल एक शर्त थी उनकी कि हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी, हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर आपसे अलग है, भारतीयों से अलग है। वो भारतीय अलग बुलाते थे, वो अपने आप को भारतीय नहीं मानते थे और ऐसे में उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था का लाना जरूरी था जिसमें वो समावेशित हो सके, जिसमें वो भारत से जुड़ सके, साथ साथ उनकी कल्चर या उनकी संस्कृति भी आगे तक बरकरार रहे। तो ऐसे में बारदोलोई समिति ने एक सुझाव दिया कि हम संविधान की 6वीं अनुसूची बनाते हैं, उसमें ऐसे प्रावधान कर देते हैं कि वहां पर स्थानीय स्वशासन की यानी कि एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर तैयार कर देते हैं जिसमें पूरी तरीके से उनको कई सारे अधिकार दिए जाएंगे। नागरिकता संबंधी अधिकार दिए जाते हैं उन्हें, साथ साथ अपने धर्म और संप्रदाय की रक्षा करने के अधिकार दिए जाते हैं। बहुत विशेष रक्षा वगैरह के मामले जो होते हैं उसी में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहता है, बाकी उसमें स्थानीय स्वशासन ही काम करता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश इससे छूटा हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट का प्रावधान लागू है, यानी कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाना चाहते हैं तो आपको छोटा सा एक तरह का वीजा लेना पड़ता है। लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश भी 6वीं अनुसूची के दायरे में आने वाला है और इसमें राज्य की जनजातियों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 371 के प्रावधानों में भी संशोधन करने को कहा गया है। तो अभी हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जो अनुच्छेद 371 के तहत आपकी 6वीं अनुसूची में आना चाहता है? तो उसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो संविधान के अनुच्छेद 244(2) और संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत यह विशेष प्रावधान किया गया है कि जब भी कोई राज्य पूर्वोत्तर जो राज्य है वो अगर इस तरह से 6वीं अनुसूची में आना चाहते हैं तो इस तरह के प्रावधान वहां पर किए गए हैं। तो आई थिंक आपको कंप्लीट हो गया कि अरुणाचल प्रदेश जो है, ये न्यूज मैंने आपको पहले भी बताई है कि अरुणाचल प्रदेश इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं। अभी हाल ही में एक चैलेंज शुरू हुआ, कॉन्टेस्ट हुआ, चुनौती शुरू हुआ है। ये एक स्टार्टअप चैलेंज है, यानी कि जितने भी स्टार्टअप आप समझते हैं जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप डेवलपमेंट करके एक ऐप बना लेना हो, फिर स्टार्टअप का मतलब आप शुरुआती रोजगार जो है, इनको स्टार्टअप की श्रेणी में ज्यादा डाला जाता है जो टेक से संबंधित होते हैं, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित होते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रमन शंकर प्रसाद ने नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज की प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है और इसके तहत भारत के जो टियर 2 शहर है विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप ऑफ सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जिन पर्टिकुलर क्षेत्रों में जो स्टार्टअप काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको अनुदान दिया जाए और इसमें 25 लाख रुपए तक के अनुदान राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 30 वर्ष की अवधि के लिए 95.03 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस चुनौती प्रतियोगिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों में स्टार्टअप को आमंत्रित किया जाएगा। आम जनता के लिए एडुटेक, एग्रीटेक यानी कि जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जैसे हम लोग जो हैं वो एडुटेक में वर्क कर रहे हैं, एग्रीटेक यानी कि जो किसानों की मदद करेंगे और फिनटेक यानी कि फाइनेंस से जुड़े हुए जो टेक सॉल्यूशंस होंगे उनके ऊपर ये क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जो भी स्टार्टअप आएंगे उनको इस तरह का अनुदान दिया जाएगा। अब बनता क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बनता है कि चुनौती क्या है। तो चुनौती जो है एक तरह का ये एक स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता है जिसमें जो नए नए स्टार्टअप हैं जो एग्रीटेक, एडुटेक और फिनटेक यानी फाइनेंस से संबंधित होंगे उनको 25 लाख रुपए तक का अनुदान जीतने का मौका मिलेगा। इनमें जो बढ़िया स्टार्टअप होंगे उनको ऐसा मिलेगा।
इसके अलावा एक और है कि केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने मुजफ्फरपुर बिहार में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NEITI के डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र का भी शिलान्यास किया है। तो अभी हाल ही में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने कहां पर एक डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र का अनावरण किया है या शिलान्यास किया है, तो वो बिहार के मुजफ्फरपुर में यह शिलान्यास किया है। तो चुनौती क्या है, एक वेब पोर्टल है, नहीं एक चैलेंज है, एक चैलेंज पोर्टल है जिसमें कई सारे स्टार्टअप्स को चैलेंज किया जाएगा और उसमें से जो अच्छे स्टार्टअप होंगे 25 लाख रुपए तक का मुआवजा या 25 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 29 अगस्त को रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां है, बस क्वेश्चन में इतना ही इंपॉर्टेंट है, के महाविद्यालय और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री के अनुसार जब किसान और कृषि उद्योग का रूप लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसे भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। तो इसके प्रशासनिक भवन का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये कहां पर है, तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य झांसी में स्थित है। विश्वविद्यालय को कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग, कृषि एवं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सीधे वित्त पोषित किया जाता है। तो आपको ये समझना होगा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर को लेकर, और इसके अभी हाल ही में प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो ये मान लीजिए कि एक देश लेवल पर एक इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है, और इस तरह के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये विश्वविद्यालय कहां पर है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, उत्तर प्रदेश के झांसी में। इतना ही याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगली जानकारी है ब्रावो ऐसा करके सिंह एक गाना गाया था उन्होंने। तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन जॉन ब्रावो 2020 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 के एक मैच में अपनी टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जॉक्स के बीच हुए मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की है। ब्रावो ने रहे केम कार्नवाल का विकेट लेकर अपना 500वां विकेट लिया। ड्वेन ब्रावो क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 459वें मैच में उपलब्धि हासिल की है। श्रीलंका के लसित मलिंगा T20 क्रिकेट में 339 मैचों में 389 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर है। वहीं दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसके अलावा सुनील नरेन जिन्होंने 383, इमरान ताहिर 374 और सोहेल तनवीर ने 356 विकेट अभी तक हासिल किए हैं। कुछ दिन पहले ही जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, वो 600 के क्लब में शामिल होने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं, जबकि विश्व के चौथे गेंदबाज हैं जिन्होंने 600 से अधिक विकेट लिए हैं, जेम्स एंडरसन। अगली जानकारी है सुश्री सुथा पेनली को अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी कि नेशनल अवार्ड टू टीचिंग, ये एक को नहीं मिलते हैं, ये कई लोगों को दिए गए हैं। तो इस बार ये 47 लोगों को दिए गए हैं। बट क्यों मैं सुश्री सुधा पेनुली का नाम ले रहा हूं, बिकॉज ये एकलव्य विद्यालय से आने वाली एकमात्र शिक्षिका है जिनको अभी तक ये अवार्ड सम्मानित किया गया है। सुश्री सुधा पेनुली जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत अपनी स्थापना के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की पहली NET पुरस्कार विजेता हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जनजातियों अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए होती हैं, और इसमें उन्हें आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराया जाता है। इसका मतलब यह कि उनकी पढ़ाई और उनका रहना एक ही जगह पर होता है। एकलव्य विश्वविद्यालय की जो विश्वविद्यालय निकल रहा है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की जो शुरुआत हुई थी वो 1998 से हुई थी, लेकिन पहला विद्यालय भारत में 2000 को महाराष्ट्र राज्य में खोला गया था। वह अपनी स्थापना के बाद से EMRS है ना, कलसी देहरादून उत्तराखंड के उपाचार्य के रूप में सेवारत है। अब EMRS का मतलब हो गया एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल, ठीक है। उन्हें इस पुरस्कार के लिए एकलव्य बर्थडे गार्डन, शिक्षा में नाट्य मंच, एकलव्य जनजाति संग्रहालय, कौशल विकास कार्यशालाएं और इसी तरह के पहले उनके अभियान के अभिनव प्रयोगों के लिए चुना गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें की हैं। नेशनल अवार्ड जो है इस बार 47 लोगों को दिए गए हैं।
अगली जानकारी है प्रतीक्षा। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा अधिग्रहित पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दो अन्य एम्बुलेंस प्रत्याशा और करुणय का भी जलावतरण किया गया है। प्रतीक्षा को तिरुवनंतपुरम के विजिन झाम में तैनात होगी, जबकि प्रत्याशा और करुण कोझिकोड में वाइपेन और बेपोर में तैनात होंगे। प्रतीक्षा समुद्री एम्बुलेंस, जिसकी लंबाई 23 मीटर चौड़ाई 5.5 मीटर है, प्रति घंटे 14 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ सकती है। यह समुद्र में संकट में फंसे मछुआरों को बचाने के लिए प्रयोग की जाएगी। इन नौकाओं में एक बार में 10 लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने की सुविधा है। तो प्रतीक्षा, प्रत्याशा, करुण, ये क्या है? केरल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा अधिग्रहित पहली समुद्री एम्बुलेंस है। तो ये इसमें प्रतीक्षा जो है वो सबसे बड़ी है, जो 10 लोगों को एक साथ में इलाज दे सकती है। तो ये कहां पर इनका कमीशन किया गया है? आपके केरल में। केरल से एक और न्यूज आ रही है। केरल के अंगमाली में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल लाइन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल द्वारा IWTC संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। IWTC महिला उद्यमिता में तेजी लाने और लिंग समानता को बनाए रखने का प्रयास है। इसके अलावा यह नए व्यवसायों को शुरू करने, स्थापित करने और विस्तार करने और उनके उत्पादनों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए घर से दूर महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान करेगा। IWTC महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बनने और बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करेगा। इस तरह से यह महिलाओं के लिए अधिक आर्थिक लाभों को फायदा देने में सक्षम बनाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र का मतलब क्या होता है? यहां पर प्रोसेसिंग से लेकर अरेंजमेंट तक सारा का सारा जो काम है वो महिलाएं ही देखती हैं। और इसका सिंपल सा मकसद ये होता है कि जो महिलाएं हैं और उन और जो पुरुष हैं उनके बीच में जो जेंडर गैप है, जेंडर गैप का मतलब माना जाता है कि कई क्षेत्रों में पुरुष आगे हैं महिलाएं पीछे हैं, तो इसको थोड़ा सा कम करने का ये प्रयास है। तो हाल फिलहाल केरल के अंगमाली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला जा रहा है। अगली जानकारी है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। विजय पथ का मतलब ये है कि जो भी खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के, उनके घरों तक पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसे में इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस योजना में लाभान्वित होने वाले 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ। शुरुआत में लाभार्थियों की सूची में 19 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और आने वाले समय में इसमें और अधिक खिलाड़ियों को जोड़ा जाएगा। तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत कहां हुई है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हुई है। ये क्या है? इसमें खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाई जाएगी, पक्की सड़क उनको प्रदान की जाएगी। अगली जानकारी है, पहली बार ऑनलाइन हुए शतरंज ओलंपियाड में भारत पहली बार विजेता बना है। यानी कि शतरंज ओलंपियाड में भारत पहली बार विजेता बन गया है और इस ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में भारत संयुक्त रूप से विजेता बना है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू की वजह से। आप समझिए कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ सकता है, तो हमारे पास तो वैसे ही आ सकता है। मैं अपने को बचा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। तो भारत के साथ ही इस फाइनल मुकाबले में रूस को भी संयुक्त रूप से विजेता चुना गया है। दरअसल इंटरनेट कनेक्शन की कमी के कारण भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता चुना गया है। ऑनलाइन हुए शतरंज ओलंपियाड में भारत पहली बार विजेता बना है। भारतीय टीम में कप्तान विदित गुजराती, पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर प्रज्ञानंद, पी हरिकृष्णा, निहाल सरीन, दिव्या देशमुख द्वारा फाइनल मुकाबले में रूस के खिलाफ देश का प्रतिनिधित्व किया गया था, लेकिन मैच नहीं हो पाए कंप्लीट और इस तरीके से दोनों लोगों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया है। अब ये मत पूछना कहां हो रहे थे यार, कहां होने का मतलब क्या है? जब वर्चुअली हो रहे थे तो कहीं भी होंगे ना। हाल ही में भारत ने एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है, यानी स्पॉन्सर्ड किया है। UNSC का वो प्रस्ताव क्या है? जो शांति अभियानों में महिला कर्मियों के पूर्ण प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए उत्तरदायी है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक ऐसा प्रस्ताव लेके आया है कि जो भी शांति अभियान होते हैं उसमें महिलाओं की भी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो यह 6 प्रमुख अंगों में से एक है संयुक्त राष्ट्र के, और इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत सबसे बड़े सैन्य दलों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत 5वां सबसे बड़ा सैनिक योगदान करता है।
भारत की स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से जुड़े रहने की एक लंबी परंपरा रही है। यानी कि जिन देशों में हमारे शांति अभियान चलते हैं उनमें अगर सैनिकों की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों का प्रतिनिधित्व कहीं ज्यादा रहता है। तो हाल ही में इसके लिए स्पॉन्सरशिप किया है। अब बारी है आज की न्यूज फटाफट की। टोगो पहला अफ्रीकन कंट्री बन गया जो स्लीपिंग सिकनेस से दूर हो गया। स्लीपिंग सिकनेस टस से टस से मक्खी वाला फैलता है, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे आप, और इसमें रोगी को या तो नींद बिल्कुल नहीं आती है या बहुत नींद आती है, शुरू में बुखार भी रहता है, दर्द रहता है पूरे बदन में। तो ये टोगो जो है वो पूरी तरीके से अब इससे मुक्त हो गया। और ये जो मक्खी है टस से टस से मक्खी आपके सहारा अफ्रीका में ज्यादा पाई जाती है। इससे पहले आपको याद होगा तो नाइजीरिया जो था उसने पूरी तरीके से अपने आप को पोलियो मुक्त कर लिया। तो अब विश्व में केवल दो देश है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां पोलियो वायरस के संक्रमण अभी भी देखे जा रहे हैं, बाकी पूरा विश्व जो है वो पोलियो मुक्त हो चुका है। 2014 में भारत भी पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो गया था। हाल ही में टोगो स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। पिछले 10 वर्षों में टोगो में स्लीपिंग सिकनेस का कोई भी नया मामला नहीं आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टोगो को स्लीपिंग सिकनेस मुक्त घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 36 उप सहारा अफ्रीकी देशों में वर्तमान में स्लीपिंग सिकनेस पाया जाता है। यह एक अनुपचारित रहता है और यह बहुत घातक भी होता है, मतलब जब किसी को एक बार हो जाता है तो यह फिर छूटता नहीं है। फिलहाल यह ट्रिपेनोसोमा ब्रुकोई नाम के परजीवी द्वारा होता है। परजीवी मतलब प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है और यह टस से मक्खी द्वारा फैलता है। केवल ग्रामीण अफ्रीका में यह मक्खी पाई जाती है। शुरुआती लक्षणों में बुखार रहेगा, सिरदर्द रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, खुजली रहेगी, और बाद की अवस्था में यह मानसिक रोगों तक पहुंच जाता है। अगली जानकारी है मुस्तफा आदिब, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, पहला क्वेश्चन। मुस्तफा आदिब जो हैं उनको अभी हाल ही में इमैनुअल मैक्रो के हस्तक्षेप के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, और ये लेबनान की राजधानी बेरूत, जहां अभी कुछ समय पहले ही अमोनियम नाइट्रेट का एक जबरदस्त धमाका हुआ था, जिस धमाके की तुलना कई लोगों ने परमाणु बम के छोटे धमाके से की थी। तो फिलहाल मुस्तफा आदिब जो हैं ये अब आपके लेबनान के नए प्रधानमंत्री होंगे। तो जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफा आदिब देश के नए प्रधानमंत्री नामित किए जाने वाले हैं। उन्हें मुख्य दलों का समर्थन नई सरकार बनाने के लिए मिल गया है। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पिछले 48 घंटों की कोशिशों का यह परिणाम है कि वहां पर जो राजनीतिक अस्थिरता है, क्योंकि इस विस्फोट के बाद ही आसन दिया आपकी सरकार ने, वहां अपने मंत्रियों समेत इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे में इस राजनीतिक अस्थिरता से निकल आया है लेबनान और मुस्तफा आदिब जो है वह प्रधानमंत्री बनेंगे। अगली जानकारी, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म इसी दिन 1905 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व ऑन 29 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य परमाणु हथियारों से होने वाले नुकसान और उनके दुष्प्रभावों के बारे में बताना है। तो 29 अगस्त को हमने दो डे देख लिए, एक था हमारा खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, और दूसरा है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस बार पोषण माह यानी कि जो न्यूट्रिशन मंथ है उसको सितंबर में मनाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी हाल ही में जो बातचीत की गई मन की बात इस रविवार को, जिसको मोस्ट डिसलाइक वीडियो बना दिया है, अब मोस्ट डिसलाइक पीएम वीडियो बना दिया है लोगों ने, वो जानते हैं कौन लोग हैं। तो हाल फिलहाल ये मन की बात के अंतर्गत इन्होंने बताया कि इस बार जो सितंबर है उसे हम पोषण माह के रूप में मनाएंगे। और आज सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने भारतीय खाद्य निगम के CMD, CWSD, MD और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको यही ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन मंथ कब मना रहे हैं, सितंबर में। चैडविक बोसमैन, ब्लैक पैंथर, अभी हाल ही में इनका पेट के कैंसर की वजह से 43 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कोलन कैंसर यानी आंत के कैंसर की वजह से 43 की उम्र में चैडविक बोसमैन ने ही दुनिया को अलविदा कह दिया है। चैडविक बोसमैन की बीमारी के बारे में साल 2016 में पता चला था और वे तब ही तीसरे स्टेज में थे, और अब बीमारी ने चौथे स्टेज में पहुंचने के साथ ही चैडविक बोसमैन की जान ले ली। चैडविक बोसमैन ने मार्वल के सुपर हीरो मूवी ब्लैक पैंथर में किंग टी चाला और लीड कैरेक्टर ब्लैक पैंथर का किरदार निभाया था। चैडविक की आखिरी फिल्म द फाइव ब्लड्स इसी साल रिलीज हुई थी। तो एक बुरी बीमारी की वजह से इनका मौत हुआ,
जाने माने कोच पुरुषोत्तम राय जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। एथलेटिक्स से जाने माने कोच पुरुषोत्तम राय का 28 अगस्त को बेंगलोर में निधन हो गया है। उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट लाइफ टाइम श्रेणी में प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाने वाला था, लेकिन वह 79 वर्ष के थे। श्री राय ने कई जानी मानी खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित दिया है। तो पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? वो एथलेटिक्स से संबंधित थे और एथलेटिक्स से जाने माने कोच के। उन्हें 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाने वाला था। वेटरन अश्मी सिंगर अर्चना महांता भी अभी हाल ही में गुजर गई। वयोवृद्ध अश्मी गायिका अर्चना महंत का भी हाल ही में निधन हो गया। अर्चना प्रसिद्ध गायक खगेन महंता की विधवा थी, जिन्हें बिहू के राजा के रूप में भी जाना जाता था। वह बॉलीवुड के लोकप्रिय गायक पैमान महंत की मां थी और अपने पति के साथ महंत ने असमिया लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 अगस्त को विश्व स्तर पर जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन गिरफ्तारी, नजरबंद, अपहरण की घटनाओं सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्ती या बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार 2011 में मनाया गया था। तो 30 अगस्त को मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए प्रस्ताव पारित करवाया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और हाल ही में आईटी मंत्रालय द्वारा किस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत भारत के टियर 2 शहरों में विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर के उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा? तो वो है चुनौती। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये झांसी में स्थित है। और हाल ही में स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना? टोगो। और हाल ही में किस राज्य की पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का शुभारंभ किया गया? तो वो है केरल। अर्चना मैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस पेशे से जुड़ी थी? गायक थी और असम से जुड़ी हुई थी। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25 लाख रुपए कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस महीने में पोषण माह को आयोजित किया जाना है? तो वह सितंबर माह को एज ए न्यूट्रिशन मंथ मनाया जाएगा। 2020 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ड्वेन जानो ब्रावो। और हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है सुश्री सुधा पेनेली को एकलव्य विद्यालय से। किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित होगा? केरला में। और चैडविक बोसमैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया, वो किस पेशे से जुड़े थे? वो अभिनेता थे। पुरुषोत्तम राय का 28 अगस्त को बेंगलोर में निधन हो गया, वो किस पेशे से जुड़े हुए थे? वो एथलेटिक्स कोच थे। और प्रत्येक वर्ष परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और प्रत्येक साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल विश्व स्तर पर जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। किस राज्य द्वारा शुरू में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश में। और लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं? मुस्तफा अदीब। ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में किसको संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया? तो भारत और रूस को। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। अब बारी है आज के क्विज की। हाल ही में किस राज्य में पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन किया गया है? तो यह आपका केरला में उद्घाटन किया गया है। और हाल ही में आईटी मंत्रालय द्वारा किस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत भारत के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा? तो यह होगा चुनौती। 25 लाख रुपए तक का अनुदान उन्हें देंगे। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां किया गया है? झांसी में। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना? वो है टोगो। अर्चना महन, जिनका निधन हो चुका है, वो किस पेशे से जुड़ी है? वो सिंगर है, थी, असम से थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? 25 लाख रुपए किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस महीने में पोषण माह आयोजित किया जाएगा? तो यह सितंबर माह को एज ए न्यूट्रिशन मंथ घोषित किया गया। और 2020 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? डॉन जॉन ब्रावो। किसको राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है MS मिस सुधा पुनौली। किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित होगा? तो वो है केरला। और चैडविक बोसमैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया, वो किस पेशे से जुड़े हुए थे? वो एक्टर थे, ब्लैक पैंथर के रूप में हम उन्हें याद करेंगे।
पुरुषोत्तम राय का 28 अगस्त को बैंगलोर में निधन हो गया। वो किस पेशे से जुड़े थे? पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स कोच थे, जिन्हें इस बार का द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्राप्त किया जाना था। और किस राज्य सरकार द्वारा शुरू मेजर ध्यानचंद विजयपति योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद है। लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं? तो उनका नाम होगा मुस्तफा आदिब, जो है वो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के किसको संयुक्त रूप से विजेता चुना गया है? तो इंडिया और रशिया को संयुक्त रूप से विजेता चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका न्यूयॉर्क में है और 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रत्येक वर्ष परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस भी आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। और जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये आपका 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।